सतह समंदर से 7,500 फुट बुलंद वादी स्कर्दू को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। बल्तिस्तान में दो शहर स्कर्दू और खपलू ज़्यादा अहमियत के मालिक है। हमारा आज का सफ़र स्कर्दू से 103 किलोमीटर दूर बल्तिस्तान के दूसरे अहम तरीन शहर खपलू की जानिब है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको लेकर जा रहे हैं स्कर्दू से खपलू। तो ये सारा रास्ता आज हम आपको दिखाएंगे और इसके ऊपर हम डिटेल दिखाएंगे कि रास्ते में कौन कौन सी जगह आती हैं और आप कैसे इनको विज़िट कर सकते हैं और सड़क की क्या कंडीशन है। तो चले हमारे साथ। मैं दो बार इससे पहले स्कर्दू आया हूँ, 2015 और लास्ट 2017 में। इतनी कंस्ट्रक्शन हुई है इन 7 सालों में, मुझे हैरानगी हो गई। मुझे याद है रात को एक ही होटल वाला खुला था, ईद के दिन थे। अभी तो माशाल्लाह मेरे ख्याल से कोई 1,000 होटल तो मैंने देखे। ये हुसैनाबाद से ये वाला रास्ता, हुसैनाबाद वाटरफॉल और मसरूर रॉक्स का जो लोग ट्रैक करते हैं वहाँ अंदर जाके करते हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपको यहाँ मसरूर रॉक का ट्रैक और उसकी डिटेल भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और थोरगो गांव आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो आगे ये सरफरंगा डेजर्ट, ये पुल पर से आप गुजरेंगे और जाएंगे, ये आगे सामने कोल्ड डेजर्ट है। वैसे तो सारे स्कर्दू को आप डेजर्ट कह सकते हैं क्योंकि सालाना जहां 10% से कम बारिश होती है वो डेजर्ट में शुमार होता है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि अगर यहां बारिश हो जाए तो उस तरह का इंसान गीला नहीं होता। रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा प्यारी है। यहां के सामने कल तक बारिश थी, आज माशाल्लाह धूप भी निकली हुई है। ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है और ये जो गांव नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर स्नो लेपर्ड बहुत ज़्यादा है। हुकूमत ने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है लेकिन इस गांव का नाम हम भूल गए। एक गांव का नाम क्या है? खपलू जाते हुए रास्ते में ये दूसरा गांव, खपलू जाते हुए गोल एक जगह आती है, वहाँ पे नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ कर लिया। यहाँ एक ख़ास बात जो स्कर्दू में बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ रेट बहुत मुनासिब है। ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी सियाती मकामात पर रेट खाने पीने के बहुत ज़्यादा है, उस लिहाज से यहाँ पर रेट बहुत मुनासिब है। ये खरमंग में वाक़ मंटोखा वाटरफॉल और खामोश वाटरफॉल, रोड ये दरिया से दूसरी तरफ आपको नज़र आ रही होगी, ठीक ठाक रोड है इसकी। और यहाँ से मंटोखा वाटरफॉल 23 किलोमीटर है, मगर हमने जाना है खपलू, तो हम अपने रास्ते पे अपनी मंजिल की तरफ दवा दवा हैं। स्कर्दू से खपलू जाते हुए अभी हम हुमायूं ब्रिज पर पहुँचे हैं। ये 40 किलोमीटर दूर है स्कर्दू से और इस जगह की ख़ास इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर 3 पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं। तो जो मैंने आपको पीछे बताया था कि मैं आपको सरप्राइज़ दूँगा, वो सरप्राइज़ यही था कि इसके बारे में किसी को नहीं पता, किसी बुक में नहीं है, किसी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन गाइड में नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो सामने पहाड़ी सिलसिला आपको नज़र आ रहा है ये हिमालय है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको कैमरे को उस तरफ लेकर जाएंगे तो वो सामने जो पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है वो कराकुरम है, दरियाए श्योक के पार, ठीक है। और ये जो पीछे आपके पहाड़ी सिलसिला है, ये वाला सामने जो नज़र आ रहा है, ये लद्दाख का पहाड़ी सिलसिला है जो कि दरियाए सिंध और दरियाए श्योक के दरियाए सिंध और के दरमियान में वाक़ है। एक तरफ जो है सामने हिमालय आ जाता है और इस तरफ जो है वो आपका लद्दाख आ जाता है। इस जगह की एक और भी इम्पोर्टेंस है कि दो दरिया मिल रहे हैं, दरियाए श्योक और दरियाए सिंध। दरियाए श्योक जो है ट्रिब्यूटरी है जो कि नोबरा वैली से निकलता है सियाचिन से और फिर यहाँ आकर हुमायूं ब्रिज पे दरियाए सिंध में आखिरकार शामिल हो जाता है। इसी तरह यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट भी मिल रहे हैं। यहाँ से अब हम जा रहे हैं ढांचा डिस्ट्रिक्ट की तरफ, स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट से हम आए हैं, जबकि दरियाए सिंध जिस तरफ से आ रहा है ये सामने वाली साइड से, यहाँ पर जो है वो खरमंग डिस्ट्रिक्ट है। चलें आपको आगे दिखाते हैं। ये मेन हुमायूं ब्रिज से थोड़ा सा आप आगे आएँ तो रॉक कार्विंग आपको अभी मैंने दिखाई थी, तो रॉक कार्विंग से और मज़ीद आगे आएंगे तो ये पुराना पुल जो था स्कर्दू और इसको मिलाता था खपलू को,
तो इकबाल शहीद पुल कहलाता था, सस्पेंशन ब्रिज है। अब तो नया पुल अभी आप देख चुके हैं जहाँ से हम गुजर के आए हैं, तो ये पुराना पुल था और अब तकरीबन खस्ता आदमी का शिकार है, इसलिए इसको बंद कर दिया। थोड़ी चहलकदमी कर ले इस पुल के ऊपर, वैसे ख़तरनाक भी है। ये देखिए ज़रा नीचे, और ये दरियाए सिंध वो उस तरफ एक और पुल, ये दरियाए श्योक के ऊपर बना ब्रिज। हम आगे एक किला है वो देखने जा रहे हैं, बड़ा प्यारा नज़ारा है वैसे। और इस पुल के ऊपर एक टाइम में एक बाइक गुजारनी चाहिए वरना सारा पुल हिल जाता है। मेरे दोस्त बाइक पे गए हैं, पता नहीं बाइक का रास्ता भी है या नहीं, लग तो नहीं रहा। अचानक ही घने दरख्त शुरू हो गए वो नज़र आ गए। ये रास्ता है किले पे जाने के लिए। बहुत ज़्यादा शहतूत और खुबानी फ्री में आप यहाँ खा सकते हैं। ये देखिए ज़रा, ये सेब खुबानी शहतूत। पुल से अगर हम पैदल आते तो अच्छा होता। ये देखिए रास्ता है, रास्ता समझे है ही नहीं। ये हम किला पहुंच गए। ये देखिए पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। ये आप देख रहे हैं सामने किरिस का तारीखी किला, और ये किला जो है बल्तिस्तान का रवायती तर्ज तामीर पर जो है मुश्तमिल है। देख सकते हैं कि लकड़ी पत्थर और जो चिकनी मिट्टी है ग्लेशियाई मिट्टी उसका इस्तेमाल करके इसको तामीर किया गया है। तो ये कई सौ साल पुराना है और द्रैशोक के किनारे किरिस में बना हुआ है। तो इसमें आपको सेंट्रल एशियन यानी कि जो तिब्बतियन कंस्ट्रक्शन स्टाइल है वो आपको इसमें जो है वो दिखाई देगा। 300 साल पुराना है किला, ये भाई साहब बता रहे हैं। और ये व्यू ज़रा चेक करें, वाह, पुराने लोगों की तर्ज़ तामीर उस वक़्त भी इतनी प्यारी थी। ये देखिए ज़रा, आप खिड़की खोलिए, यहाँ बैठ के शायद वो इंजॉय करते हैं। सब पूछते हैं कि इस किले की हिस्ट्री और ये हमें बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है फारसी में। जी सर, ये यहाँ पे बरोए मेहंदी लाल बाग रहती है, इधर इसमें लिखा हुआ है राजा मेहंदी अली खान जो हमारे दादा पर दादा है। सही से। तो उनके दौरे हुकूमत में इस आसार कदीमे का बुनियाद रखा है। अच्छा। उसके बाद राजा मोहम्मद अली खान उसके पाए दौर में पाए तकमील में पहुँचे ये सही से किला जो है किला है। और इसमें मेंशन किया हुआ है जो कारीगर है इस दस्त इब्राहिम, हाँ कि उसके हाथ से इब्राहिम रसीदा का उसका वो लकब है और इब्राहिम उसका नाम है। और इसमें बाकायदा वर्डिंग में मेंशन किया हुआ है, वो मुझे भी इसमें वो पूरा आता नहीं है इसमें सही लिखा है। इसमें वर्डिंग में लिखा हुआ है पूरा सना। अच्छा। और नीचे हिंदी से में लिखा हुआ है 1365 हिजरी। 1365 हिजरी में जी। सही से। और ये प्रूफ किला देखने के बाद अब हमने दोबारा अपनी मंजिल की तरफ सफ़र शुरू कर लिया। आते हुए हम उस छोटे पुल से और जाते हुए हम ये दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। बड़ा प्यारा सहरा है जिसमें से हम गुज़र रहे हैं। बाइक भी अक्सर स्लिप हो जाती है मगर आराम आराम और एहतियात से जा रहे हैं। ये अब हम वाड़ी गांव पहुंच गए। यहाँ अब आगे लकड़ी वाला पुल आएगा और पुल से फिर हम इंशाल्लाह मेन रोड यानी खपलू वाली रोड पे होके खपलू जाएंगे। जंगल चेक करें ज़रा, आप सोच सकते हैं कि स्कर्दू में भी ऐसी जगह है। ये अब हम उस गांव में गुज़र रहे हैं और पुल तो नहीं आया मगर जंगल आ गया। इम्तियाज़ साहब एक बात बताएं जी मुझे जी, रास्ता हम थोड़ा सा भटक गए थे पूछते पूछते इस रास्ते से आई हैं, तो क्या कहेंगे इस रास्ते के बारे में? बड़ा खूबसूरत रास्ता है, एक तो इस पर पहले सहरा है और इसके बाद अब ये जंगल है और इससे पीछे जो हमने इन्जॉय किया पुल के ऊपर
وہ الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے. یہ یہاں پر انہوں نے چارے کے لیے وہ کیے ہوئے گندم کو سکھا کے اس کے بعد اس کا وہ بھوسا نکالیں گے. جو بالآخر یہ پل آ گیا اور روڈ بھی آ گئی, اب ہم روڈ پہ چڑھ کے انشاءاللہ خپلو کی طرف اپنا سفر کریں. اب ہم گزر رہے ہیں خرپک گاؤں سے, یہاں سے ایک ٹریک رائٹ سائڈ پہ خرپک جھیل کو گیا ہوا ہے, یہ پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے گاؤں میں. اور خیر یہاں ایک مقامی نے بتایا کہ اس کا ٹریک ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ اس کا پیدل ٹریک. یہ عرفک کے ساتھ یہ اس آبشار کا پانی اس جھیل میں جا کے, یعنی یہاں پہ نیچے لینڈ سلائڈنگ جہاں ہوئی ہے اس کے اندر جا کے پھر وہاں چھوٹی سی جھیل بنی ہوئی ہے. ڈغونی بلغار پل کے قریب ہم رکے. بلغار ڈسٹرکٹ گانچے کا اہم گاؤں ہے جو کہ اسکردو سے 85 کلومیٹر دور واقع ہے. ڈغونی اور بلغار دو اہم گاؤں ہیں جن کو درائے تھلے دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے. اسی ڈغونی بلغار سے 12 سے 15 کلومیٹر دور ایک خوبصورت وادی واقع ہے جس کا نام تھلے ہے. سطح سمندر سے 10,000 فٹ بلندی میں واقع اس وادی میں جھیلیں, چراگاہیں اور گلیشیئر موجود ہے. یہاں سے 3 دن کا ٹریک کر کے آپ وادی شگر میں بھی اتر سکتے ہیں. یہ تھلے گاؤں سے جو آگے روڈ چیک کریں, بڑی مزیدار روڈ, روڈ پہ کام لگا ہوا ہے, تھوڑی سی جگہ پہ روڈ خراب ہے, باقی پیچھے روڈ بھی بالکل زبردست کارپیٹ. اور یہ آپ کے سامنے ہے, یہ ہم برا بازار پہنچ گئے اور یہاں پر برا پونڈس کے نام سے پونڈس بھی مشہور ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر اوپر کافی جھیلیں ہیں مگر کم از کم ان کا ٹریک 2 دن کا ٹریک. یہ برا گاؤں جیسے ہی ختم ہوتا ہے ساتھ ہی آپ کو نیچے پانی نظر آتا ہے. یہ اب ہم نیچے جاتے ہیں, یہ برا جو پونڈس بڑے مشہور ہے, چھوٹا سا اس کا ٹریک ہے 2-1 منٹ کا, یہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ راستہ ہے, وہ نیچے آپ کو پانی کا عکس نظر آ رہا ہوگا. واہ میرے ربا, مزہ آ گیا, بہت خوبصورت پرسکون جگہ. میں تو حیران پریشان ہو گیا. آپ کو عکس نظر آ رہا ہوگا پانی کا, آپ کو آگے بھی دکھاتے ہیں. یہ یہاں پہ نوٹس لکھا ہوا ہے کیونکہ آگے گھر ہے, اور یہاں سے آپ اس طرف جا سکتے ہیں, اس طرف نہیں جا سکتے. بڑا خوبصورت پونڈ ہے, ابھی آپ کو ہم اس کا ویو دکھاتے ہیں. کتنا کرسٹل اور کلیئر پانی, ماشاءاللہ. مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے یہاں پہ. یہ تیسرا پونڈ, دو ہم دیکھ چکے ہیں, یہ تیسرا اور کہہ رہے چار, یہ ایک اس سے اگلا ہے پھر چوتھا. بہت خوبصورت نظارہ ہے. یہاں سے اس کا ویو چیک کریں, آؤٹ کلاس ماشاءاللہ. بچوں کا عکس دیکھے ذرا پانی میں, ماشاءاللہ. یہ اب ہم چوتھے پوائنٹ پہ آ گئے, یہ یہاں کا چوتھا پوائنٹ ہے. واہ جی واہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, کتنا کلیئر کرسٹل پانی. یہ آپ کے سامنے
मैं इसके बाद तस्वीरें भी बनाऊंगा, मेरा काम बड़ा मुश्किल है, अल्लाह रहम करे। ये था 12 के 4 पॉइंट्स और अब हमने फिर दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ शुरू कर लिया। अब आगे मोड़ के बाद खपलू शुरू हो जाएगा। यहाँ ढेर सारे बागात हैं खुबानी के और बड़ी प्यारी रोड खपलू की। हम पहुँच गए खपलू, ये खपलू का बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू खपलू। ये अब जैसे ही खपलू में इंटर होते हैं तो ये सरीना खपलू की तरफ ऊपर वाला रास्ता गया है। ये यहाँ से हल्दी कुंज का नज़ारा खपलू में। ये हम जा रहे हैं स्लिंग और बड़ा खूबसूरत पॉइंट है वहाँ पे, यहाँ पर हम रात गुजारेंगे इंशाल्लाह। सामने वाली रोड जैसे खपलू से आते हैं, या सामने वाली रोड जा रही है यूचिंग और आगे सियाचिन की तरफ, और ये वाली रोड जा रही है स्लिंग की तरफ। हम जा रहे हैं स्लिंग। बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है, साथ पुराना पुल भी है और नया पुल, दोनों सामने हल्दी कोंस। सेलिंग पहुंच गए, लिखा हुआ है कि खपलू से 1 किलोमीटर इस तरफ है। ये है जी सेलिंग क्रिकेट ग्राउंड गांचे, बड़ा प्यारा ग्राउंड है, देखते हैं टाइम हुआ तो आपको दिखाते हैं। ये रॉयल रिसोर्स्ड एंड फिश पॉइंट, यहाँ पर हमने भी अपने लिए बड़ी मुश्किल से बार्गेनिंग करके कमरा बुक किया। बड़ा खूबसूरत रिसोर्स्ट है, ये देखिए ज़रा ये, और आपको दिखाते हैं अपने कमरे का अंदर से व्यू। और ये था हमारा आज का खपलू तक का सफ़र, ये हमारा कमरा है। इंशाल्लाह ये था खपलू तक हमारा व्लॉग, उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आएगा। आगे इंशाल्लाह आपको मज़ीद खूबसूरत वीडियोस दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।